हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पर। आज मैं क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 10.1 का वीडियो लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन केवल फिगर वाला है जिसमें पेरीमीटर निकालना है और सेकंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को अभी छोड़ दिया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो ला दूंगा, वो आसानी से आप बना सकते हो। पेरीमीटर निकालना है, एक बार मैं समझा दे रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, बाकी कहीं दिक्कत, मान लीजिए कोई भी कैसा भी फिगर हो, यही फिगर है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि कैसा भी फिगर हो उसके बाउंड्री का लेंथ आप निकालिए टोटल, वही पेरीमीटर हो गया। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एकदम मतलब जो देसी लैंग्वेज में समझाते हैं ना बच्चों को, वो देसी तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। पूछ दे कि इस फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, पेरीमीटर सबको प्लस कर दीजिए, पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब सारे फिगर का क्या करना है, पेरीमीटर निकाल देना, क्या कीजिएगा 5, 7, 10। क्या कीजिएगा ये लोगों को 10, 5, 15 और 15 और 7, 22, यानी 22 सेंटीमीटर हुआ। आज मैं दिन में वीडियो बना रहा हूं, एक्चुअली दिन में, रात में समय मिल नहीं पा रहा है इसलिए मैं दिन में बना रहा हूं, तो थोड़ा बहुत बाहर की आवाज आएगी लेकिन उस आवाज पे ध्यान नहीं देना। पेरीमीटर निकालना समझ में आ गया ना, क्या करेंगे सारे फिगर को प्लस कर देंगे, मतलब सारे फिगर को नहीं, टोटल साइड्स को, जो साइड्स दिया है उन साइड को प्लस कर देंगे, हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा क्वेश्चन समझा दें एक बार आपको, क्वेश्चन जरा देखिएगा। द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ अ साइड 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका जो ढक्कन है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या है लंबाई बॉक्स की, जो ढक्कन की लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो उस बॉक्स की है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया बाई 10 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। Is sealed all round with tape. उसको क्या करना है, सील करना है, सील all round with tape. टेप से क्या कर देना है, उसको सील कर देना है, टेप से सील कर देना है, आया बात समझ में, with tape. What is the length of the tape? उस टेप की लंबाई क्या होगी, What is the length of tape? टेप की लंबाई क्या होगी, जल्दी बताइए। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये देखिए ये ओपन है ना, इसको हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे इसको पैक कर देंगे। अब मैं चाहता हूं इस बॉक्स का ये टॉप पार्ट हो गया, इस पार्ट को टेप लगा दूं, क्या करूं टेप लगा दूं, तो ऐसे टेप लगाना होगा, फिर ऐसे लगाना होगा, फिर ऐसे लगाना होगा, फिर ऐसे लगाना होगा। आप इस ऊपर वाले पार्ट को देखो, एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मान लीजिए यहां से ऐसे टेप लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, तो ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बन जा रहा है, तो रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना होगा यहां पे, पेरीमीटर, क्या निकालना होगा पेरीमीटर। तो अब मान लीजिए यहां पे आप टेप लगाइए तो ये हो गया इसका लेंथ, यहां लगाएगा तो ब्रेथ, फिर यहां लगाइए तो लेंथ, फिर यहां ब्रेथ, अब ये सील्ड हो जाएगा, अब इसको कोई खोल के देख नहीं सकता कि इसके अंदर क्या है, तो इस टेप की लंबाई क्या होगी, जो आप ऐसे 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 जो आप टेप लगा रहे हो, इस टेप की लंबाई क्या होगी, तो टेप की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, उसकी पेरीमीटर निकालनी होगी, क्या निकालना होगा उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, यहां जरा देखिएगा क्या कह रहा है, कि हमने लिख दिया लेंथ ऑफ द टेप, जो टेप की लंबाई होगी उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ द लीड,
पेरीमीटर ऑफ द लीड, यानी वो जो ढक्कन होगा उसका पेरीमीटर, और रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स तो है रेक्टेंगुलर, तो पेरीमीटर ऑफ द टिप ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ये जो क्या कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द टिप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द लीड ऑफ द लीड और रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो ढक्कन है मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स है ही, और उसका जो कैप है उस कैप के चारों तरफ के हम मतलब उस कैप का एक तरह से पेरीमीटर निकालेंगे। तो बॉक्स तो है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्मूला होता है 2 × L + B, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल लेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से दीजिएगा, ये फॉर्मूला है 2 × L + B, 2 हम लिख देंगे, L हमारा कितना है, L है आपका 40 सेंटीमीटर, L क्या है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 और 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहां 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ दिए, 2 से मल्टीप्लाई किया 100 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये 100 सेंटीमीटर हो गया, अब इसका हमें इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर या फिर लिख देंगे 1 मीटर, 1 मीटर टेप की जरूरत होगी या फिर 100 सेंटीमीटर टिप की टेप की जरूरत होगी। तो इसे राइट कर लीजिए, तो जल्दी से अपने कॉपी में अब हम आते हैं एक थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी जो उस टेबल टॉप का जो लेंथ है वो क्या है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, एंड बाय 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। एक मिनट, टेबल टॉप का लेंथ जो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। देखिए टेबल होता कैसा है, ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया एक तरह से, मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया ना, एक यहां पे पैर होगा, एक यहां पे पैर होगा, एक यहां पे पैर होगा, एक यहां पे पैर होगा। देखिए मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं, आप उसको ज्यादा सीरियस मत लीजिए कि सर क्या बना दिए। अच्छा, तो ये मान लीजिए ऐसे, ये टेबल टॉप है, इस टेबल टॉप का ये टॉप वाला पार्ट है, इसका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब देखिए, चलिए ड्रॉइंग से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, देखिए स्टडी टेबल को लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल होगा ये हमारा स्टडी टेबल हो गया। अब ये जो पार्ट है ना, ये यही टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप, जैसे ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये हो जाएगा ब्रेथ, ये इसका ब्रेथ, ये लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, आया बात समझ में। तो अभी मैंने जो टेबल टॉप दिखाया उसका मैंने लेंथ और ब्रेथ समझा दिया, तो अब देखिए टेबल टॉप जो है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है रेक्टेंगुलर, तो यानी यहां भी आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा, किसका पेरीमीटर निकालना होगा, रेक्टेंगल का। ये देखिए लेंथ ऑफ द टेबल टॉप, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप, टेबल टॉप का जो लेंथ है वो कितना है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने लिख दिया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में कंप्लीट कन्वर्ट कर देंगे, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी हो जाएगा हमारा 2.25 मीटर। ओके, ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, टेबल टॉप का पेरीमीटर कितना होगा 2.25 + 1.50, सबको प्लस कर देंगे। अब देखिए 2.25 और 1.50 को प्लस करना है, 2.25 फिर 1.50 प्लस करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ 2 और 5 कितना होता है 7 हो जाएगा, यहाँ 0.213 यानी फाइनल होगा 3.75, क्या होगा 3.75। तो ये स्टेटमेंट पहले आप लिख लीजिए फिर यहीं पे मैं सॉल्व करूंगा। यहां देख लीजिए, यहां पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप 2
ब्रैकेट के अंदर 2.25 प्लस 1.50। अच्छा इसको यहां तक पहले लिखे तो यहीं पे मैं सॉल्व करूंगा। यहां देखिए 2 × 3.75 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.75 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.50। ये हमारा हो गया 7.50 मीटर। पेरीमीटर कभी भी निकालते तो मीटर स्क्वायर नहीं करते हैं, याद रखिएगा। पेरीमीटर कभी भी निकालते तो क्या लिखते हैं, 7.50 मीटर, सिर्फ मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं। अच्छा तो ये हमारा थर्ड, कौन सा थर्ड नंबर क्वेश्चन था, थर्ड नंबर भी बन चुका है लगभग 7.50 मीटर। और हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं इजाजत, बाय बाय, फिर बहुत जल्दी ही लेके आऊंगा।